नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ मैं अनुव्रत शर्मा। खबर आ रही है मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से। कॉलोनाइजर ने किया कॉलोनी का मुख्य रास्ता बंद, कॉलोनी में ही खुलवा दी शराब की दुकान, रहवासी परेशान। प्लॉट बेचते समय किए वादों पर नहीं दिया ध्यान, कॉलोनी में ना सड़क ना नाली और ना ही कोई सफाई की व्यवस्था, रहवासियों ने दिया अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन। जी हां, कुरवाई स्टेट बैंक के पीछे कॉलोनी के रहवासियों ने अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंप कर कहा है कि जफर उल्लाह खान उर्फ गुड्डू खान द्वारा स्टेट बैंक के पीछे प्लाटों का विक्रय किया गया है, जिन पर कई वर्षों से रहवासी निवास कर रहे हैं। भूमि स्वामी द्वारा आज तक सड़क एवं नालियों का निर्माण भी नहीं कराया गया है, साथ ही कॉलोनी में शराब दुकान भी खुलवा दी गई है, जिसके कारण प्रतिदिन असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है, जो आए दिन कॉलोनी के निवासियों को परेशान करते हैं। साथ ही कॉलोनी के संचालक द्वारा बिना अनुमति एवरग्रीन नामक मैरिज गार्डन भी संचालित किया जा रहा है। कुरवाई से विराट ठाकुर की एक रिपोर्ट। नायर द्वारा शराब की दुकान खोली गई है, जिससे हम बहुत परेशान रहते हैं। ये यहाँ से लोग पी के आते हैं, यहाँ दंगा फसाद करते हैं, हमारे बच्चे परेशान होते हैं, यहाँ लेडीज निकल नहीं पाती हैं, परेशान होते हैं। ज्ञापन दिया, उसमें क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही है? समस्या है सर, रास्ते की समस्या है। जब हमने प्लाट खरीदा था, जब ये रास्ता बताया गया था कि यहाँ से रास्ता है, बट अभी इसको बंद कर रखा है। हम बहुत परेशान हैं। यहाँ जिन लोगों का निकलना होता था, यहाँ मंदिर है पास में, वो लोग रोड से जाते हैं, वो भी परेशान रहते हैं। द्वारा ज्ञापन दिया गया है, किस संबंध में ज्ञापन दिया गया? कॉलोनी वालों के ज्ञाप बारे में दिया है। हमें जो प्लाट बेची थे रहवासियों को, वहाँ ना तो नाली है और जो रास्ता आम रास्ता जो दिया था नक्शे, वो बंद कर दिया। जैन मंदिर जाने के लिए हम सब जैन परिवार और बाकी सारे लोग यहाँ हैं। गंदगी बहुत है हमारी कॉलोनी। प्लाट आपने कितने साल पहले खरीदी थी? 8 साल पहले। क्या क्या वादे किए गए थे कॉलोनाइजर द्वारा? कि हम यहाँ नाली बनाएंगे और आपको पानी की व्यवस्था करेंगे, साफ सफाई रखेंगे, कुछ नहीं। इस संबंध में आपने कहाँ कहाँ से कहा? SDM महोदय को करिए, नगर पालिका CMO साहब को करिए, तहसीलदार महोदय के लिए किए। अब कॉलोनाइजर क्या बोल रहा है? कुछ नहीं बोल रहे। आपने कॉलोनाइजर से नहीं कहा कि हमें नाली बना के दो? कई बार कहा, आपने कहा साहब जी रोड बनवा दो, निकलने में दिक्कत होती है। बोले हाँ देखेंगे। आपके द्वारा ज्ञापन दिया गया है, उसमें कहा है कि कॉलोनाइजर ने कॉलोनी वासियों का रास्ता बंद कर दिया। आप देख सकते हैं कि गेट लगा हुआ है, यहाँ से जाने का रास्ता है, आने का रास्ता है, उसके बाद भी गेट लगा दिया गया है। हमने खूब मना किया तो उन्होंने ये कहा कि मेरी निजी ज़मीन है, ये निजी ज़मीन थी तो आपने प्लाट क्यों काटे, 15 फीट की रोड क्यों दी? वो रोड बीना से बामोरा से ये रोड जुड़ी हुई है, रास्ता बंद करने की वादे पहले की, बात कही थी रास्ता? हाँ, ये वादे किए थे उनने प्लाट बेचने के समय, जब पूरे वादे भी थे, रास्ता भी थी उनने 15 फीट की। जो मैंने प्लाट खरीदा उसकी तो रास्ता उनने बंद कर रखी है, पीछे आप जान के देख सकते हैं, वो इतनी गंदी भरी है। मैं बनाऊँ तो कैसे बनाऊँ? पानी इतना भरा। रास्ते से आप कितने सालों से निकल रहे हैं? इस तरह से मैं बचपन से निकल रहा हूँ, हमेशा भी देखिए। आप नगर पालिका की रोड भी डली है आधे मकानों में, लेकिन उसके बाद इधर का रास्ता बंद।